ट्रिपल आर के लिए 6 महीने में जूनियर एनटीआर ने बनाई धांसू बॉडी। बुल्गारिया के जंगल में दौड़े से नंगे पैर, जानिए मजेदार बातें। डायरेक्टर एसएस राजामौली, जी हां गाइस, डायरेक्टर एसएस राजामौली ने जूनियर एनटीआर के किरदार को लेकर बात की और कहा कि उन्होंने हिंदी बोलने से लेकर अपनी फिल्म के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। ट्रिपल आर सभी भाषाओं के लोगों के दिल पर राज करने के लिए तैयार है। इसी प्रमोशन के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि एक्टर्स ने अपने किरदार के अनुसार बॉडी 5-6 महीने में बनाई है और इतना ही नहीं, वो इसके लिए बुल्गारिया के जंगल में नंगे पैर तक दौड़े हैं। एसएस राजामौली ने अपने इस बयान से उन एक्टर्स को हिला कर रख दिया जो कलाकार अपने रोल की प्रैक्टिस जूते पहन के करते हैं। शूटिंग वाले दिन क्रिएटिव पावर हाउस ने उन्हें बुल्गारिया के कांटों से भरे जंगल में नंगे पैर दौड़ने के निर्देश दिया था। वहीं एक्ट्रेस ने राजामौली की बात को पूरा करते हुए बताया कि टीम की ओर से पहले ही सुनिश्चित कर लिया गया था कि जिस रास्ते पर एक्टर को दौड़ना था वहां कांटे और पत्थर ना हो। ट्रिपल आर के डायरेक्टर ने कहा कि फिल्म की टीम ने प्रोफेशनल फाइटर्स के जरिए पहले ही जगह की जांच कर ली गई थी। एक कैमरामैन भी उनके साथ भागा था। एक्टर फाइटर्स की तरह तेजी से नहीं भाग सकते, लेकिन यहां पर जूनियर एनटीआर ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने कॉल ऑफ एक्शन पर बिजली की गति के साथ ट्रायल रन किया था। डायरेक्टर आगे कहते हैं कि इसे ओरिजिनल सीक्वल में एक्टर को नंगे पैर दौड़ना पड़ा था और दिलचस्प बात यह है कि उनके साथ ना कोई हादसा हुआ ना उन्हें कोई चोट आई। फिल्म में जूनियर एनटीआर के किरदार की बात की जाए तो वे इसमें काफी दमदार नजर आने वाले हैं। एक्टर्स ने इसमें स्वतंत्रता सेनानी कोमराम भीम की भूमिका निभाई है। एक बात तो साफ है कि ट्रिपल आर एक्ट्रेस ने राजामौली के निर्देशन के सभी पड़ाव को खींच लिया है। इसमें किलर डांस, स्टंट काम और निडरता को परोसा गया है जो राजामौली के निर्देशन में बखूबी फिल्माया गया है। ट्रिपल आर में जूनियर एनटीआर के अलावा रामचरण, अजय देवगन, आलिया भट्ट भी लीड रोल में नजर आएंगे। इससे पहले 7 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों और सरकार के सख्त रवैये के कारण मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया था। ये फैसला लोगों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया था। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरियंट देश में तेजी से हावी था। 25 मार्च को ये फिल्म रिलीज होने वाली है, सभी एक्साइटमेंट है और इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटमेंट है गाइस, तो बने रहिएगा मेरे साथ। नेक्स्ट अपडेट के लिए वीडियो बनाए, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।